सच में जो वो हैं, एक क्या नाम है, मालती चौहान, नाम नहीं ले सकते। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, और मौसम भी अच्छा हो गया है, तो थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया है, और यही मौसम ना हमें अच्छा लगता है। जैसे सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, फिर भी थोड़ा सा ठंडक ठंडक लगती है, काम करने का मन नहीं करता, काम ना करना पड़े तो कोई बात नहीं। तो कल देख रहे थे वीडियो, और जैसे मोबाइल जैसे ही खोलते हैं तो इतने गंदे गंदे, इतनी अजीब तरीके से वीडियो बनाते हैं लोग, वही वीडियो सामने आ जाते हैं, वही देख, जैसे कभी कभी खोल के देखना पड़ता है, कभी कभी हल्का सा जब देख लेते हैं तो ये लगता है कि जैसे उनके वीडियो वायरल होते हैं, वीडियो में मिलियन भर भर के व्यूज आते हैं। तो क्यों आते हैं? क्योंकि वो लोग गंदगी फैला रहे हैं। जैसे हम ये नहीं कहते वीडियो बनाना है, जैसे जिसको जो आता है वही तो करेगा, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं। कि जैसे कुछ खाना बनाते हैं, कुछ डांस करते हैं, कुछ लोग को गाना गाना अच्छा लगता है तो वो लोग गाने का डालते हैं, कुछ भी जैसे डालते हैं डालना, और जैसे अपना हुनर तो दिखाना ही होता है, कुछ भी डालो। लेकिन YouTube है, YouTube इसलिए जैसे ये है कि हम लोगों के लिए कि हाँ कुछ अच्छा सिखाएं, लेकिन इसलिए नहीं है कि जैसे कुछ भी डाल दो, गंदगी फैला दो। इतने इतने गंदे गंदे वीडियो देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ये बुरा लगता है, और आने वाली पीढ़ी पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जब होम पेज खोलेंगे तो वही वीडियो आते हैं, वही वीडियो दिखाई देंगे, और कुछ नहीं दिखाई देगा जो बेकार से डालते हैं, जो हम लोग फैमिली के साथ देख नहीं सकते। पता नहीं वो लोग कैसे बनाते हैं और कैसे फैमिली के साथ में वो लोग दिखाते हैं, हाँ, और सब लोग तो नहीं देख सकते। तो इस तरीके के आप कोई हीरो हीरोइन तो हो नहीं, उल्टे सीधे गंदे और वो कुछ भी डालते रहो, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो कल सुहाना शुक्ला जो हैं, वो उनका वीडियो देख रहे थे तो उन्होंने बताया कि जैसे ये अगर ऐसे मत करो, अगर सच हुआ तो। और सच में जो वो हैं, एक क्या नाम है, मालती चौहान, नाम नहीं ले सकते। नाम लेने से हो सकता है वीडियो हमारा डिलीट हो जाए, और हो सकता है कि चैनल ही डिलीट कर दें, लेकिन जाने दो, कुछ नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ऐसे ही हैं, जो है जो मन में आता है वो सच बोलते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे। तो वो बोल रही थी कि जिसके साथ में ये होता है तो उसको पता चलता है। वो मालती चौहान ने क्या किया कि अपने जो हस्बैंड हैं विष्णुराज चौहान, उनका लिटा के और सफेद कपड़ा बाकायदा उड़ा के और वीडियो बना दिया, कहा कि ये जैसे मर गए। तो ये सब चीजें नहीं अच्छी होती हैं, ये सब चीजें जैसे। और उसके बाद में वो जो जब विदाई करते हैं तो वो बांसों से बनाई जाती, वो भी बना के उसमें लिटा दिया, और दो चार औरतें भी रो रही बैठी, और दूसरे दिन वो वीडियो बना रहे, वीडियो डाल रहे। तो ये सब क्या है? ये सब तो गलत है। ये सब जैसे आप लोग ये नहीं सोचते कि हाँ जैसे कल कल को वीडियो डालेंगे तो लोग बुरा भला भी खूब बोलते हैं, खूब बोल के जाते हैं, लेकिन ऑडियंस देखती उन्हें ही है, वो ही लोग पसंद आते हैं उन्हें, उनको ही, भले वो उसमें इतनी ज्यादा कमेंट कि हाँ किस किस को गाली देने का मन कर रहा है, किस किस को गाली देने का मन कर रहा है, जैसे ऐसे ऐसे लोग कमेंट करके जाते हैं। तो आप लोग इनको जो है इतना, जैसे सही वीडियो डालते हैं, ब्लॉग डालते हैं, कुछ डांस का डालते हैं, बहुत लोग हैं, तो उन लोगों का देखो, और अगर ये लोग ऐसे गलत वीडियो डालते हैं तो उनका बायकॉट कर दो। और भी कई लोग हैं वो ऐसे ऐसे वीडियो डालते हैं कि जैसे उसका तो कोई कुछ कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि क्या क्या लोग बोल जाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो वही जैसे 5-6 दिन हो गए बराबर होम पेज खोलेंगे तो वही वीडियो आएंगे, जब
होम पेज खोलेंगे तो वही वही आज जो ब्लॉगर अमिता हैं दिल्ली की, तो उन्होंने भी डाला कि देखो जैसे जनता भी बेवकूफ़ है और यूट्यूब भी बेवकूफ़, जो यूट्यूब को देखते हैं वो भी बेवकूफ़ हैं, वो लोग उल्टा सीधा जो भी कुछ भी गंदा संदा करके और डाल देते हैं और भर भर के व्यू जाते हैं। अगर कोई अच्छा डालेगा अच्छा करेगा तो उसको कोई देखता नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं करता, ये सत्य बात है सच। तो जैसे कल कल देखो हम लोग भारत के हैं, तो भारत की सभ्यता हम लोगों को याद होनी चाहिए। और भारत की सभ्यता क्या है कि जैसे पहले उसमें देख रहे थे कि पहले लड़कियां, पहले जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो द्रौपदी के चीरहरण करने में महाभारत हो गई थी। और अब क्या है कि कपड़े पहनने के लिए बोल दो तो महाभारत हो गए। कपड़े जैसे सही कपड़े पहनने से और ढकने से, शरीर ढकने से सुंदर नहीं दिखती हो क्या? तब भी सुंदर दिखती हो, लेकिन आजकल ना प्रदर्शन हो रहा है, पूरा प्रदर्शन कर रही हैं कि हाँ हमारा कुछ नहीं जाता है, लेकिन हम जैसे जो लोग देखते हैं, जैसे बच्चे देखते हैं आजकल, कोई भी ऐसा नहीं है, और बच्चे ज़्यादातर बच्चे मोबाइल देखते, बच्चों के पास भी मोबाइल होता है तो बच्चे क्या देखेंगे, और वही बार बार आएंगे। जैसे कुछ अच्छा होगा तो वो बार बार नहीं आएगा और सामने वही आएगा। तो इस तरीके के आज कल लोग वीडियो डाल रहे हैं और वही सब वायरल हो रहे हैं, वही सब देख रहे हैं। तो ये पता नहीं ये सब क्या क्या है, ये जैसे वीडियो डालना है लेकिन थोड़ा सा शुद्ध डालो। और ये इतना इतना वो दिखाते हैं कि हाँ जैसे उसी पे जैसे वीडियो बनाएंगे तभी लड़ाई होगी, तभी प्यार होगा, और ये सब अच्छा नहीं है ना। जैसे बच्चे वगैरह देखते हैं, फैमिली में जब हम लोग देखते हैं तो ये गलत लगता है और अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं, हमारी हिंदू सभ्यता है कि जैसे वीडियो डालने को मिला है आपको यूट्यूब का प्लेटफॉर्म, तो अच्छे से डालो ना। कोई भी हुनर आता है, कुछ भी आता है तो वो डालो अपना, और उसके बाद में, लेकिन ये सब जल्दी 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 करने के चक्कर में, जल्दी वायरल होने के चक्कर में ये सब कुछ भी गंदगी डाल देते हैं और सारी गंदगी होती है। और ये लोग ये नहीं सोचते कि हाँ इसका आने वाली पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा और कैसे उसका क्या नाम देखेंगे, कैसे कैसे लोग देखेंगे। और पता नहीं इनके फैमिली वाले भी नहीं कहते, इनके फैमिली वाले कुछ नहीं बोलते हैं, बस उसका क्या नाम वीडियो डालो कुछ भी, और देखते नहीं होंगे क्या वो लोग भी देखते होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, बस कि पैसा कमाना है पैसा, तो पैसे कमा रहे हैं यूट्यूब पे आके। तो ये सब इस तरीके से पैसे ना कमाओ, थोड़ा सा कुछ अच्छा करके दिखाओ, अच्छे भी वायरल होते हैं। जैसे डांसर सनातन है तो उसमें कुछ भी जैसे गलत नहीं रहता है, वो अच्छा अपने सही से कपड़े पहन के, और वो जो बहन भाई हैं वो सब वीडियो डालते हैं। लेकिन जैसे कुछ लोग अभी आए हैं नए नए, उन्होंने इतना गंदा कर दिया है यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है कि जैसे वीडियो देख के घिन आती है, ऐसे ऐसे वीडियो डालते हैं इनको देख के ही घिन आती है, तो ऐसे वीडियो नहीं डालने चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, और हमारे जो मन में था वो बोल दिया, और उसके बाद में हो सकता है कि वीडियो डिलीट करना पड़े, लेकिन डिलीट करने से पहले आप लोग देख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।